जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अवैध निर्माण को लेकर के सख्त रवैया नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में नहर के ऊपर सार्वजनिक स्थान पर गुड़िया यादव नाम की महिला द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है, जबकि न्यायालय द्वारा पूरी तरीके से इस निर्माण को अवैध बताया गया है। नगर निगम ने भी इसे साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि यह अवैध निर्माण है, उसके बावजूद इस निर्माण को किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा रोका नहीं गया और न ही इस पर कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है। इसे साफ जाहिर होता है कि स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से यह पूरा कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री के मंसूबे को प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से पलीता लगा रहे हैं, यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। मेरा नाम अमित कुमार पांडे है, मैं राजेंद्र नगर दूसरा मार्ग का निवासी हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि मेरे घर के पश्चिम की तरफ जिधर मेरा किचन खुलता है उधर 15 फीट की रोड है और उस रोड पर गुड़िया यादव मुंडू द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जो कि पहले अस्थायी था, अब वो स्थायी निर्माण कर रहे हैं। तो आपने इस संबंध में कहा, किसी से गुहार लगाई, क्या कहा? जी, इस संबंध में सर्वप्रथम हमने लोक अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसका ये पेपर हमारे स्पष्ट सामने है। इसमें LDA ने पहले ही कहा कि हमसे कोई भी किसी भी तरह का मतलब नहीं है। उसके उपरांत जो है नगर निगम ने इस बात को कहा कि ये स्वीकार किया कि ये जो है अतिक्रमण स्थल है और ये जो है अतिक्रमण गुड़िया यादव मोनू यादव द्वारा किया गया है, ये स्वीकार किया। इसके बाद हमने सिविल कोर्ट में भी एक मुकदमा दायर किया था जिसमें अमीन की रिपोर्ट लगी है और अमीन की रिपोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वह रोड जो है कब्जा किया गया है मोनू यादव गुड़िया यादव द्वारा। ये रोड चली आ रही है जिस पर ये अतिक्रमण स्थल है जिसको मोनू यादव और गुड़िया यादव द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इसके विषय में हमने कई बार शासन प्रशासन को चिट्ठी लिखी, कई लोगों से हमने कहा, गुजारिश की, सबसे कहा गया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तब हम लोग लास्ट में अंत में जो है न्यायालय की मदद ली है, उसके बावजूद वो अस्थायी निर्माण को स्थायी निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत परेशान हैं। वो जनमानस, वो आने जाने के रोड रास्ता है जिसको पूर्णतया बाधित किया जा रहा है, जिससे आवागमन का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। शासन से हम ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि जो रास्ता, जो रोड आना जाने की, आवागमन की है, उसको पूरा तरह से अतिक्रमण मुक्त करा जाए और आने जाने का रास्ता बनाए। दूसरा मार्ग में रहती हूँ, 274/42D नाले का किनारा, पीछे 15 फुट की रोड गई हुई है मोनू यादव गुड़िया यादव, उस पर पहले तो ऐसे ही रखे थे, फिर अब जो उसको पक्का बना रहे हैं, स्लेप लेप डाल रहे हैं और आने जाने के लिए बहुत परेशानी है। बीच में जो 2 साल पहले हमको इन्होंने घेर लिया था मारने पीटने के लिए और धमकी दे रहे थे कि बनने दो, फिर भी मैंने मोदी जी को एक लेटर लिखा था, उन्होंने लेटर भेजा शासन में तो वो दबा दिया गया। मोदी जी जो है हमारी मदद करने चाह रहे थे मगर मदद हो नहीं पाई, मैं बहुत परेशान हूँ। पुलिस प्रशासन को आप लोगों ने इस बात की जानकारी दी? हाँ बिल्कुल दी, मैं कैसर भाग गई, CO से मिली, मेरी कोई सुनवाई नहीं, और फिर मैं नाके थाने पे गई, नाके थाने में भी सुनाई क्योंकि वो उधर की पार्टी ने पैसा जमा कर दिया, हमको पता है 50,000 रुपया। रोड पे इसलिए आए हैं कि वो लोग अभी स्लेब डालने जा रहे हैं, 50 लोगों को, गुंडे को इकट्ठा किया, तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से।